राम राम सासी दी मारवाड़ी चैनल माते आपरो एक बार भले स्वागत है। मारो नाम है कुशल्या चौधरी हैं। आज मैं थाने इन वीडियो में आलू रे कोफ्ता तो बनाउनो तरीको बताऊंगा। बारिश रे मौसम में परिवार हाथ बैठ रहे गर्म गर्म कोफ्ता जिमनो मजो ही और है। आलू रे कोफ्ता जिमन मान आप हुआ दवे है ना बनाउने हाव हो रही छे थे ये कर जरूर बनाई जो वीडियो हा करो लागे तो लाइक एंड शेयर कर जो हैं। अस्त अगर थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो हो तो सब्सक्राइब करन घंटे वालो बटन दबाई दो। तो अब आप पहला आलू रा कोफ्ता बनाना हरू करा। आलू रा कोफ्ता बनाने हरू मैं 1 किलो आलू लिया हूँ। आलू ने उबालन में 3-4 घंटा हरू फ्रिज में मेल दिया। अब आप आने छोल ला। आलू ने उबालन फ्रिज में मेल ले आलू रो मैंने जो पानी वे वो खत्म हो जा जिगनी वजह कोफ्ता आप मसालो बनावा तो वो मसालो गिलो नहीं वे। अगला आलू छोल लिया। अब आपने एक ठाव में गालन हाथू मसाला। आलू ना हल्ला मैं नहीं करना है दरदरे इज रखना है। एक एक करन अगला आलू मैं कर ला। अगला आलू बढ़िया मस लीज गया एने पाड़ मेल दा। अब आप छुले माते एक कड़ोई ले मेलन छुलु बाद ही कर ला। छुलो चेतन होए पचे कड़ोई ली मापस आगाले मोटड़ चिमचे एक चिमचे तेल गाल दा। तेल ने उन्नो कर ला। तेल उन्नो या पचा पाइन माने गाला आधो चिमचो राया एक चिमचो आका दाना एक चिमचो जीरो एंड थोड़ी हींग एन चिमचो मिलाई दा। अब आपाई में गाला सागाड़ मोटड़ चिमचो एक चिमचो बेसन इन चिमचो बढ़िया मिलाई दा। अब बेसन एकदम बढ़िया सुनहरो हो जड़ तक इन हेका। बेसन बढ़िया पगो। अब आप मंगा ला मिक्सी में ही करीड़ी 5 हाथ लीली मिर्चा। ऐने बढ़िया मिलाई दा हैं थोड़ी दूर पकन दा। एक अधी मिनट पचा पॉइंट मन गाला नैन के चिमचे 2-2.5 चिमचे लून एंड 1 चिमचो गरम मसालो एन एक मिलाई दा। अब आप गाला 20-25 काजू एंड 15-20 किशमिश। एन मिलाई दा। अब आप मंगा ला है मैं करियड़ आलू एनी बढ़िया मिलाई दा है 2-3 मिनट तक पकन दा। तीन एक मिनट पचा पॉइंट मान गाला नैन के चिमचे 2-1 चिमचा पीस उड़ी राती मिर्चा। हैं 1 चिमचो हलद एने बढ़िया मिलाई दा हैं 1-2 मिनट तक बड़े पकन दा। दो एक मिनट पचा पॉइंट मान गाला 1 नींबू रस 2-1 चिमचा शक्कर एंड थोड़ा गीला दाना है एंड पुदीना का पत्ता एने बढ़िया मिलाई दा। थे चाहो तो इन टाइम मसाले में अंगूर है ना अनारदाने गाल सको। अब आर हाजिर नहीं है इन वास्ते मैं नहीं गाल लिया हूँ। अगली चीजा बढ़िया मिलाए पचे कड़ोई लेने नीचे उतार दा।
मसाले ने एक थाली में गाल दा। हगलो मसालो थाली में गाल दियो। अब आप इन्हें थोड़ा ठंडो होन दा। कड़ोली ने पाड़ मेल दा है ना। अब आप कोफ्ता रो गोल तैयार करा। कोफ्ता रो गोल बनोन हरू मैं एक बोगले में आधा किलो बेसन लियो हूँ। बेसन में आप गाला एक चिमची लून, एक चिमची इजुआ, इन्हें हाथों मसाला निकाल दा। एन थोड़ा होगा पैन में निकाला मीठो होडो। एन हाथों बढ़िया मिलाए दा। अब आप इन मगाला पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करन गाला है नी ना हाथों मिलावता रहे वो। कोफ्ता वास्ते अपन ऐड गोल छे जी। गोल तैयार कर लियो। बोगले ने पाड़ मेल दो। अब आप छूले माते कड़ी ली मेल छूलो बादी कर दो। छूलो चेतन करन कड़ी ली में तेल गाल दो। कोफ्ता डूब जाए तो तेल गालने नूनो कर ला। अब तेल उन होवे जीता पर मसाले री बोला बनाई दा। मसालो खासो ठंडो होगो। इन हाथों दबान गोल गोल बॉल बनाई दा। हगले मसाले री एडी गोल गोल बोला बनान प्लेट में मेल दा। अगले मसाले री एडी एक रही पूटरी बोला बनाए दा। अगले मसाले री बोला बनाए दी। अब आप आने बेसन रे गोल में गाल दा। एक बार में 5-6 बोला गालन एन बेसन में डुबोई दा। बोलो ने बेसन में डुबो डुबो अन तेल में गाला। एक बार में 5 हाथ को अपता तेल में गालन एन तरला। ठीको ठीक तब रागन कोफ्ता सुनहरा रंग रहो जड़ तक आने तला। 5-6 मिनट बचे कोफ्ता बढ़िया तलीजगा। एने जा रहे हूँ बारे कार्डन एक थाली में गाल दा। इन्हीं तरीके आप हगला कोफ्ता फ्राई कर लेवा। अगला कोफ्ता तला ने एक थाली में गाल दिया। अब आप उन्होंने जी मा तो थाने वो वीडियो कैडोग लागो मने कमेंट करन जरूर बताई जो। इन वीडियो ने लाइक एंड शेयर कर दो। तो एक बार बड़े मिला एक नवे वीडियो रहते हैं। जड़ते ही राम राम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय जय राजस्थान।